अभी हम लोग चंबल दास पहुँच रहे थे, थोड़ा सा बीच में रोका, ये क्या हालत हो गई गाड़ी की भाई, पूरी गाड़ी धूल से सन गई है। और जो है ना भाई, नेट जियो वाइल्ड लिखा है इसका, रियल वाइल्ड लाइफ वाला जो काम है आज वो चल रहा है। और भाई टायर की परफॉर्मेंस की बात करूँ भाई, सेक्सी परफॉर्मेंस है टायर की। बस तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है ना कि ये जो व्हील कैप है कहीं ये ना गिर जाए, क्योंकि वैसे कसे तो अच्छे से हैं। तो चलो अब चंबल नीचे उतार रहे हैं। वैसे मैंने आपको एक उसके लिए दिया था कि देखो कैसी गाड़ी की हालत हो गई है। अभी थोड़ा सा खाना पीना कर रहे हैं क्योंकि यार लगी है मैं भूख। और इधर अपने सारा गाड़ी का मैं सेटअप वगैरह कर लिया। और भाई तीन गाड़ियां होने का यही फ़ायदा है, हमने यहाँ पे घेरा सा बना लिया है। तो इधर अपनी स्कॉर्पियो की भी डिग्गी खुली है और इधर अपनी एक्सेल सिक्स की खुली है। और एक चीज़ मैंने हमने देखा है कि जो एक्सेल सिक्स का बूट है ना, अभी देखो एक्सेल सिक्स का बूट जो है, एक्सेल सिक्स का जो बूट है वो क्या बोलते, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अपने विक्रम भाई आराम से आराम कर रहे हैं और इधर अपने करण भाई शॉट्स ले रहे हैं, साइड्स के शॉट्स। और कुछ यहाँ पर अपने स्कॉर्पियो में भी सामान रखा है। और इधर मेन बात है स्कॉर्पियो से ना गिम्बल वगैरह सेटअप करने में ना, जितना भी ट्रैवलिंग इक्विपमेंट होता है स्कॉर्पियो की बूट में काम इजीली आएगा। भाई जो जितनी बड़ी गाड़ी, ह्यूमंगस गाड़ी, उतना ह्यूमंगस स्पेस होता है। अगर मैं बात करूँ इसके कंफर्ट की तो देख रहा है मेरा कंफर्ट बिल्कुल लो साला इतना तक। सो जैसे कि बस एक दिक्कत लगी स्कॉर्पियो में कि वो जो उसमें धूल आ जाती है ना, उसमें खाने की दिक्कत हो जाती है। वही चीज़ एक्सेल सिक्स में फायदा है, एक्सेल सिक्स पूरी साफ डिग्गी है, यहीं पे आप चाहो तो ब्यूटेन गैस सिलेंडर रख कर खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मेरी गाड़ी में भी यही सीन आया, हाँ। ऊपर आ गया इसलिए। पर हमारे कॉन्वॉय में एक ऐसी गाड़ी है भाई हमारे बंदे पे, जिसपे हम ब्यूटेन गैस सिलेंडर फ्यूचर में अगर कहीं कुछ कैंपिंग वगैरह करें तो इजीली कर सकते हैं। जब हमारे साथ और कम्युनिटी में लोग बिल्डअप होते जाएंगे और लोग आते जाएंगे, हो सकता है लोग नई नई गाड़ियां खरीदे और हो सकता है इनोवा भी खरीदे, ठीक है, और सफारी वफारी भी खरीदे, तो बहुत बड़ा ग्रुप होने वाला है भगवान की कृपा से और भाई लोगों की कृपा से सब होगा। और एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करिए आप भी वीडियो को। सो जैसा कि ये बताया भाई ने कि अब धीरे धीरे कॉन्वे बढ़ाओ, मेन बात है आगरा में कम्युनिटी बिल्ड होगी तो इसके बाद ये कि ऐसी और ग्रुप में गाड़ियाँ ऐड होती चलेंगी, तो फिर ना अपने आगरा की भी एक अलग से पहचान हो जाएगी यूट्यूब कम्युनिटी में। तो अभी खाना पीना करते थोड़ा सा, जितना लाइट करेंगे और फिर खा पी के निकलते, थोड़ा सा बोटिंग वगैरह का भी प्लान बनाए, फिर बोटिंग वगैरह भी करेंगे। और थोड़ा सा ये बैटरी चार्ज कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि बहुत रास्ते में धूल मिली है। तो इतना भी हर समय गाड़ी चलाना भी ठीक नहीं, मतलब ये समझ लो लद्दाख में जिस हिसाब से हमें धूल मिली थी ना, थोड़ी सी उस हिसाब से धूल है, पर ये धूल चिपक नहीं रही है, झड़ रही है। लद्दाख वाली जो धूल थी वो चिपक रही थी गाड़ी से। सो अब देखते हो रियल का जूस, चिप्स वगैरह, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक, और भाई अपनी एक ही एनर्जी ड्रिंक लेके आए हैं, पता नहीं क्यों एक ही रखी हुई थी। तो मैं काम करते टाइम पीता हूँ, रात में डेढ़ बजे तक मेरे ड्यूटी करनी होती है, तो मैंने सोचा कि भाई भाई ने कंजूसी कर दी है, एक ही लेके आए, कफ सिरप लेके आए। और इधर भाई अपन मैक्स चिल्स वगैरह लेके चले, आलू के पराठे तो दिखा देने वाला है, आलू के पराठे कहाँ है ये देखो भाई। ईस्ट और वेस्ट जो घर का खाना होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। A few moments later. तो फिर से हम लोग चंबल सफारी में आ चुके हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलने वाला है। दौड़ रहे हैं YouTube पे आने के, अब क्योंकि सभी यूट्यूबरों के साथ बैठ बैठ के हम मोटिवेट हो रहे हैं, हमें जल्दी ही YouTube पे दो क्योंकि आप। और इधर विक्रम भाई का मौली से गिर गया पानी में। भाई ये हमारे इंडिया की शान है, चंबल घाटी की शान है, और ऊपर आपको मगरमच्छ देखने को मिल जाएगा। ये देखो
और भाई आलसी पड़े हो, उठ जाओ, फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचा ले भाई। पिक्चरों की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे पान सिंह तोमर हुई, बैंडेड क्वीन फूलन देवी हुई और काफ़ी ऐसी ऐसी पिक्चरों के यहाँ पे शूट होते रहते हैं और ये पिक्चरों के शूट भी हुए थे यहाँ पर। देखो कितना स्पेक्टेकुलर व्यू आ रहा है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और ये सब लोग सब बिजी हैं भाई, सब बिजी हैं, देखो हम भी बिजी हैं, ये भी बिजी है, दोनों के कैमरे देख रहे हैं मुँह के आगे। फील होता है और साल की स्टार्टिंग में ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है भाई, तो अच्छा मतलब कि ये है कि जो हमारी ये साल है ना अच्छी तो जाएगी ही जाएगी। थोड़ा सा मज़ा ले रहे हैं, इस तरीके से स्टार्टिंग की हमने तो लोगों ने यूट्यूब की कम्युनिटी आगरा के अंदर बिल्ड कर दी है और हिमांशु भाई और अपने भाई मयंक भाई वकील साहब। और मेन बात क्या हो रहा है ना, मेन बात है यार आज हमारी स्टोरेज कम पड़ती चली आ रही है, आज इसने अब लग रहा है कि भाई आईफोन की स्टोरेज भी खाली करके लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंडियन स्कीमर शुरू खान करके कहते हैं बहुत सारे बर्ड्स हैं जो लद्दाख वगैरह से भी आते हैं, भैया बता रहे हैं हमें। उधर थोड़ा सा नॉइज हो रहा है तो मैं थोड़ा सा उधर नहीं हूँ, देख रहे लोगों का मजा, एक वीडियो बना रहा है सर। की बात कर रहा था वो ये रही माइग्रेटरी मंगोलियन डक, ये देखो कैमरे में आपको शायद पता नहीं चलेगा, ये मंगोलिया से माइग्रेट करके आती है स्पेशली, ये देखो ये हिमालय को क्रॉस करके आती है चंबल में, जैसे अपने भाई लोग बता रहे हैं। से पैकअप कर रहे हैं और अब वापस निकल रहे हैं भाई घर के लिए और सनसेट हो चुका है और भाई अपनी बिल्लो रानी चमकती हुई, और थोड़ा सा आईफोन चार्ज करना है यार, आईफोन थोड़ा सा डाउन होने लगा है और सनसेट हो रहा है भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब निकलते हैं गाड़ी को, करते हैं एक बार कोल्ड स्टार्ट क्योंकि काफ़ी देर से गाड़ी है अपनी बंद। A few moments later. खाना पीना स्टार्ट हो चुका है और टाइम की बात करें तो भाई 6:15 टाइम हो गया और अभी इस टाइम में कौन से ढाबे पे रुके हैं, पप्पू ढाबा पे रुके हैं और जो इस वाले जो सेक्शन है आगरा जौलपुर वाले का सबसे अच्छी अच्छा ढाबा है, अपने पनीर मंगाया है, इधर चावल वाले भाई हम शराब बात चल ही रहा अपना खाना खाते हैं मज़े लेते हैं और यूट्यूबर्स की रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है और मैं भाई भी खाना सर्व कर रहे हैं। तो चलो भाई खाना हमें खाने दो, भूख लगी भाई बहुत है, अब खाने के सामने ना वीडियो वीडियो कुछ याद नहीं आया। फाइनली आगर आ चुके हैं अपन और टाइम की बता दो तो टाइम हो रहा अभी कितना हो रहा है, 7:55 टाइम हो गया और ट्रिप कैसी रही? बहुत बढ़िया मजेदार, बहुत मजा आ गया यार, यूपी के लौंडे रोड से इधर आ जाओ। और भाई बहुत तेज ठंड पड़ रही है, बहुत तेज पड़ रही है, कोहरा बहुत पड़ा और देख सकते हो गाड़ी की हालत हो गई, हमारी गाड़ी सबसे ज्यादा गंदी हो गई है, बाकी जितनी भी ग्रे गाड़ियां है ना ये साफ साफ। अच्छा यूपी में कितनी ठंड पड़ रही है पता करना है, नीचे देखना थोड़ा सा सही है। फाइनली हमारी एक शॉर्ट ट्रिप खत्म हो गई, फ्यूचर में इसी तरीके की हमारी चैनल पे और भी ट्रिप्स आती रहेंगी भाइयों के साथ, सो चलते चलते आपसे अलविदा लेते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राम 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 राम। तो भाई राम राम भाई, तो आज हम भी राम राम कर लेते हैं, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।